डीयर स्टूडेंट एज वी हैव डिस्कस अबाउट अ रैंडम वॉक देन वी हैव डिसकस अबाउट अ यूनिट रूट कि सीरीज किस वक़त स्टेशनरी होगी किस वकत नॉन स्टेशनरी होगी और स्टेशनैरिटी के लिए जो स्पेसिफिकली हम सबसे पहले चेक करेंगे वेदर देर इज़ यूनिट रूट और यूनिट रूट को चेक करने के लिए देर आर डिफरेंट लाइक क्राइटेरियाज लाइक यू कैन यूज़ स्पेसिफाइड टेस्ट फॉर यूनिट रूट लाइक यू कैन यूज द ग्राफिकल एनालिसिस आप उसके लिए कुरेलोग्राम यूज़ कर सकते हैं देर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज बट यू शुड नो अबाउट द यूनिट रूट कि सीरीज़ में जिस वक्त यूनिट रूट आएगा किस टाइप की प्रॉब्लम आएगी और जिस वक्त यूनिट रूट से पहले जो सीरीज़ है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं सम टाइम आपके पास एक डिफरेंस uh, सीरीज आती है कि आप जो वैल्यूज़ हैं उनका डिफरेंस ले लेते हैं और डिफरेंस बहुत सिंपल होता है लाइक इफ़ यू हैव टाइम सीरीज़ वाई टी और वाई टी का डिफरेंस लेने के लिए सिंपल Yt टी माइनस वाई टी माइनस वन सिंपल हर वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू माइनस करते हैं अगर आपके पास लाइक like, 1980 का डेटा है तो आप 1980 की Y की वैल्यू माइनस सेवेंटी की Y की वैल्यू माइनस कर देंगे इसी तरह T माइनस वन का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास वो सीरीज़ एक डिफरेंस शेप में आ जाती है इवन यू कैन फाइंड द ग्रोथ रेट ऑफ अ सीरीज और ग्रोथ रेट अगेन बहुत सिंपल होता है If you are going to like estimate the growth rate of GDP in 2020, you can simply uh, like subtract the value of 2020 minus the value of 2019 divided by the value of 2019. A yes, simple uh, current value minus previous value divided by previous value. This is simple the formula for finding the growth. And if you are going to like convert in percentage, you can simply multiply it with 100. तो इस तरह आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा इसी तरह जब आपके पास एक सीरीज आ गई है तो फर्स्ट स्टेप इज टू चेक विच टाइप ऑफ सीरीज इज लाइक वहां पर दो चीजें आएंगी सम टाइम इज ट्रेंड जो सीरीज होगी उसमें एक प्रॉपर ट्रेंड होगा और ट्रेंड पॉजिटिव भी हो सकता है ट्रेंड नेगेटिव भी हो सकता है अब जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द रैंडम वॉक जो रैंडम वॉक है देर इज नो ट्रेंड लाइक आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है आपकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है आपकी वैल्यू माइनर डिक्रीज हो रही है यानी उसमें जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो सकती है और किसी वक्त भी वैल्यू बहुत बढ़ सकती है किसी वक्त भी वैल्यू बहुत कम हो सकती है यू आर अनएबल टू प्रडिक्ट वैल्यू बट ऑन द अदर हैंड ऑफ रैंडम वॉक यू हैव द डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड अगर रैंडम वॉक नहीं है तो डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड होगा ट्रेंड क्या होगा कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू इंक्रीज हो गई है लाइक like, अगर आप पाकिस्तान की जीडीपी का डेटा प्लाट करें यू कैन फाइंड अ डिटर्मिनेस्टिक ट्रेंड लाइक वो आप इजीली उस ट्रेंड को प्रडिक्ट कर सकते हैं दिस इज गोइंग पॉजिटिवली और जब पॉजिटिव वो मूव कर रही है तो उस टाइप की सीरीज़ को आप कहते हैं देर इज डिटर्मिनीस्टिक ट्रेंड ऑन दी अदर हैंड यू हैव लाइक डिफरेंट स्टेशनरी और उसका अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो वो आपकी सीरीज जो है वो स्टेशनरी बन जाती है और उसके लिए सिंपल यू हैव द फार्मूला ऑफ वाइटी इज इक्वल टू बीटा वन एंड अगेन बीटा वन इज योर कॉन्स्टेंट जो अभी हमने डिस्कस किया है दिस इज टाइप ऑफ इसको हम ड्रिफ्ट भी कह सकते हैं बीटा टू टी टी इज बेसिकली ट्रेंड को शो करती है कि क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी वैल्यू चेंज हो रही है इफ़ यू आर गोइंग टू प्लाट द वैल्यू ऑफ जी डी पी दिस इज़ लाइक चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जो वक्त गुजरता जा रहा है वो पॉजिटिव हो रही है इफ़ देर इज़ नेगेटिव ट्रेंड तो वक्त के साथ साथ वो नेगेटिव होती जाएगी देन बीटा थ्री इज दिस इज अगेन वो रैंडम uh, वाक भी आप इसको कह सकते हैं और ये आप इसको कह सकते हैं ये डिफ्रेंसड है कि आपका वाई टी एंड वाई टी माइनस वन से जो वैल्यू एसोसिएट कर रही है और ये एक कम्प्रीहेंसिव मॉडल है जिसमें यू हैव द एर टर्म यू हैव द डिफरेंस टर्म यू हैव द लाइक ट्रेंड टर्म यू हैव द कॉन्स्टेंट दिस इज कम्प्रीहेंसिव मॉडल और अब नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने चेक करना है कि आपकी सीरीज किस टाइप की है आप किसी भी सीरीज को ये नहीं देख सकते कि ये डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड है ये डिफरेंस फॉर्म में है ये रैंडम वॉक है यहां पे ड्रिफ्ट है यहां पे ड्रिफ्ट नहीं है बट सिंपली इफ यू हैव अ टाइम सीरीज आप उसको प्लाट करें जब आप उसको स्केटर प्लाट करेंगे आप उसकी लाइन चार्ट बनाएंगे यू कैन ईजिली फाइंड कि यहाँ पर रैंडम वॉक है यहां पर डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड है यहां पे कांस्टेंट है यहां पे कांस्टेंट नहीं है किस टाइप की सीरीज है जिस टाइप की सीरीज होगी उस तरह का ऑपरेशन नेक्स्ट स्टेप में आप उस पर अप्लाई करेंगे अगर आप उस टाइप का नहीं करते तो आपकी फाइंडिंग एफिशिएंट नहीं होगी